हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मदन राठौड़, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ हिडन फीचर्स के बारे में, जो कि कल का जो एक टीज़र निकल के आया था आप सभी को जाहिर होगा, और उस टीज़र में कुछ हिडन फीचर्स जो है उसको जिक्र मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना, और अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बिना देरी करे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो भाई लोग, ये कुल 36 सेकंड का एक वीडियो था, जिसमें आपको कंप्लीट मेरे ख्याल से चार स्टेडियम दिखाई गई है। उसमें से एक है चेन्नई, दूसरी है लखनऊ, और तीसरी है दिल्ली, और चौथी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का हो सकती है। मुझे आइडिया नहीं, इतना परफेक्टली मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाकी का तीन जो स्टेडियम है वो है, एक था चेन्नई और एक दिल्ली और एक था लखनऊ। तो तीनों स्टेडियम एकदम रीडिज़ाइन की गई है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, और पिचेस वगैरह और ग्रास स्ट्रक्चर भी एकदम बढ़िया है, और काफ़ी सारे लाइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, और प्लेयर का फिजिक में भी काफ़ी सारा चेंजेस उसमें दिख रहा है। मतलब कुछ प्लेयर आपको मोटे दिख रहे हैं, कुछ प्लेयर आपको फिट दिख रहे हैं, लेकिन एक नोटिसेबल चीज़ ये है कि सभी प्लेयर का हाइट जो है बराबर दिख रहा है, हाइट में कोई वेरिएशन नहीं दिख रही थी। कल कुछ लोगों ने कुछ अफवाह फैला रहे थे कि प्लेयर का हाइट भी कम कर दिया गया है, जैसे कि टेम्बा बाउमा को छोटा करके दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो बोल रहे थे वो सारे फेक है। तो कल भी मैंने कुछ लोगों को बताया था कि ये सारे फेक न्यूज़ है, लेकिन फिर भी लोग बताते रहे कि ये सारी चेंजेस होगी। तो कुछ भी नहीं है भाई, प्लेयर का पर्सनालिटी में चेंजेस होंगे, लेकिन हाइट सभी का इक्वल होगा। अब हमारा दूसरा हिडन फीचर जो है वो कैमरा एंगल्स। इस टीज़र में काफ़ी सारे बैटिंग शॉट्स दिखाए गए, जो कि मोस्टली फ्री शॉट ही था, उसमें शायद एक या दो एक गोल्ड शॉट और एक प्लैटिनम शॉट था, बाकी के सारी शॉट जो दिखाई गई थी वो फ्री शॉट है। लेकिन उनका जो रिप्ले था, वो रिप्ले का जो रिप्ले कैमरा जो एंगल था वो एकदम नया लग रहा है। मतलब जब अभी फ़िलहाल जो RC22 में जो कैमरा एंगल्स है उस शॉट्स का रिप्ले में, वो उस वहाँ पे अलग दिख रहे हैं, और काफ़ी मज़ेदार, मतलब एकदम क्लोज व्यू से दिखा रहे हैं कि एकदम रियलिस्टिक फील जो है वो पहली बार महसूस हो रहा है। पहले जब गेम रिलीज़ हुआ था तो उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि एक शॉट को 3-4 फ्रेम में दिखाते थे हर रिप्ले में, लेकिन जब जो एक बड़ा अपडेट आया था, उस अपडेट के बाद में सारे कैमरा एंगल्स जो है वो चेंज हो गए थे, और हर शॉट को एक ही फिक्स्ड कैमरा एंगल जो था वो फिक्स कर गया था। लेकिन अभी जो RC24 आ रहा है, उसमें से कुछ न्यू कैमरा एंगल्स भी दिख रहे हैं। जो जंप वाला एक्शन था, ये पहले से जो राइट साइड से दिखाया जाता था, लेकिन इस बार सामने से दिखा रहे हैं। तो कट सीन में भी, और जो बैट्समैन एंट्री है ये भी साइड में से दिख रही है आपको, और जो ये शॉट का जो रिप्ले वगैरह है ये एकदम क्लोज रिप्ले बता रहे हैं आपको, इससे पहले वैसे नहीं होता था। तो एक इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं, और एक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मुझे जो लगा वो जो कम्युनिटी फीचर है ना, उसके बाद मुझे ये कैमरा एंगल्स वाला, अगर ये रियल इन गेम प्ले कैमरा एंगल्स होंगे तो मेरा जो सेकंड प्रायोरिटी जो है ये कैमरा एंगल्स होंगे। तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट इसे हम कह सकते हैं। तो भाई लोग, मैं और एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसड हो गया हूँ, जो कि पहली बार रियल क्रिकेट जो गेम्स में पहली बार ऐड किया है, वो फीचर है स्वेट बैंड। मतलब शाहीन आफरीदी को ले लो, श्रीशांत को ले लो, शेन वार्न को ले लो, ये जो बॉलर अपने लेफ्ट हैंड में जो एक स्वेट बैंड पहन के बॉलिंग करते थे, वो एकदम गेम को इतना रियलिस्टिक बना देता है कि आपको एकदम रियलिस्टिक फील आता है। फिलहाल तो जो बॉलर, कुछ बॉलर जो है जो पीछे टवल लेके बॉलिंग करते हैं, लाइक हेजलवुड होगा या फिर अनिल कुंबले, ये बॉलर पीछे टवल लेके करते हैं, लेकिन रियल क्रिकेट में पहली बार स्वेट बैंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा ये चेंज, और मैं रियली मुझे बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है कि मैं गेम कब आएगा और मैं कब खेल पाऊँगा। तो रियली एक्साइटेड फॉर रियल क्रिकेट 24। देखते हैं गेम कब आएगा, मेरे ख्याल से तो दिसंबर में आएगा, लेकिन कौन सी डेट को आएगा ये तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं। मैं अब खुद अनुज सर ने बोल दिया है कि हम 2023 में तो रिलीज़ करने वाले हैं गेम, वो अभी 2023 का मतलब हो सकता है December 31, और उससे पहले भी आपको गेम आ जाएगा, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कोई भी डेट नहीं है जो मैं पहले ये बता दूंगा कि फलाने ये डेट को आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा डेट किसी के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि किसी को पता नहीं होगा,
इवन कंपनी ने भी अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया होगा, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें जो होगी वो बाकी है, तो वो पूरे चीज़ें फिक्स होने के बाद ही उन्होंने जो भी डिसाइड करना है करेंगे। और बात सब एक बात भी, अगर लॉजिकल कहीं पे अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन लॉजिकली सोचेंगे तो जो अभी तुम फिलहाल ये वीडियो में देख रहे हो टीज़र, वो ऑफिशियल चैनल पे कब आ सकता है? मेरे ख्याल से अभी जो भी लोग जा रहे हैं 28 तक, उनको वो प्रोग्राम जो है अभी दिल्ली में चल रहा है वो 28 तक चलेगा। वहाँ पर जो लोग जाएंगे वो वहाँ पर देख लेंगे, अगर जो लोग नहीं जा पाए जो दिल्ली से काफ़ी दूर है तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से जो टीज़र है वो आपको चैनल पे मिल सकता है 28 के बाद में, क्योंकि अब हर किसी को तो जाने का मन होता है लेकिन जा नहीं पाता है, तो रियल क्रिकेट कंपनी उनके लिए भी ये वीडियो डालना पसंद करेगी। तो आई थिंक जब इन 28 को जो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसका बाद कभी भी वो अपना जो रियल क्रिकेट का ऑफिशियल चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है। ये इसको हम ट्रेलर या कुछ ऐसे मानने को नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ट्रेलर जो है वो बाद में आएगा, ये जस्ट एक छोटा सा जो ग्लिम्प्स था कह सकते हो आप, जो भी गेम प्ले का ग्लिम्प्स है ना, वैसा एक वीडियो है। मेरे ख्याल से अराउंड 36 सेकेंड का क्या किया है ये वीडियो, तो ये वीडियो आपको 28 के बाद मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल ट्रेलर आने में अभी भी टाइम लग सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो सेटल होना बाकी है, तो वो चीज़ें सारे सेटल होने के बाद ही आपको ट्रेलर जो आएगा। अगर आप इस वीडियो में मौजूद सारे स्टेडियम को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आएगा, वो है कि लाइटिंग इतना बेहतरीन कर दिया गया है कि आप मान लो कि एकदम देखो एम्पायर के ऊपर से जो रिफ्लेक्शन एक धुंधलापन ऐसा लग रहा है वो एकदम 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 खास, मतलब जब आप HD में इसका मतलब जब अल्ट्रा में खेलोगे तो आपको एक रियलिस्टिक फील आएगा ये लाइटिंग की वजह से। और स्टेडियम में जो ग्रास टेक्चर भी एकदम बढ़िया बन गया है, और काफ़ी सारे जो टेक्सचर हो गए, और जो इंडिया के स्टेडियम है वो सारे रिक्रिएट, जितना भी रियल क्रिकेट में जो सारे स्टेडियम थे ना वो रिक्रिएट किया गया है, और पिचेस भी आप पिचेस को देख रहे हैं काफ़ी सारे जो फटे हुए एकदम रियलिस्टिक पिचेस आपको दिख रही है और मॉडिफाइड पिचेस दिख रही है, तो गेम एकदम रियलिस्टिक। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खाली कुछ नहीं चेंज है, सेम गेम प्ले है, भाई साहब ये गेम नया गेम नहीं है, बस कन्वर्टर होने वाला है, तो जो भी चेंजेस होंगी वो गेम प्ले में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, चेंजेस नहीं होंगी, तो ये सारे चेंजेस जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो लेट्स वेट फॉर द रियल क्रिकेट 24। तो मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना, जय।